आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। बंगाल में राजनीतिक संकट गहराता जा रहा है। पिछले साल ही बंगाल में इलेक्शन हुए, टीएमसी जीती, धूमधाम से जीती, ममता बनर्जी फिर से चीफ मिनिस्टर हुई दोस्तों, लेकिन हिंसा हो गई है और भयानक तस्वीरें सामने आई हैं, दिल दहला देने वाली। यहाँ पे 8 लोगों को जिंदा जला दिया गया है, जली हुई लाशें निकली हैं, जिसमें से 2 तो बच्चे थे। अब राजनीतिक संकट इसलिए गहराया गया है क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले तो सेंटर ने रिपोर्ट मांगी है ममता बनर्जी से। बीजेपी और टीएमसी के रिश्ते बिल्कुल भी सही नहीं है, ये आपको पता है, जग जाहिर है। उसके बाद यहाँ पे गवर्नर ने सीधा बोल दिया है कि हम प्रेसिडेंट रूल की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। जगदीप धनखड़ ने सीधा बोल दिया, आपको पता ही है ना, 352, 356, 360 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी, 352 इज नेशनल इमरजेंसी, 356 इज स्टेट इमरजेंसी। तो क्या ऐसा होगा, देखेंगे। यहां पे बीजेपी ने रेजिग्नेशन की मांग की है कि ममता बनर्जी का रेजिग्नेशन मिले, और ममता बनर्जी ने यह आरोप लगाए हैं कि ये बीजेपी की साजिश है, सच कहीं बीच में छुपा हुआ है। फिलहाल दोस्तों हम खबर की बात करेंगे। तो आपको पता ही है कि सबके लिए नेशनल कमीशन बनाई गई हैं, तो यहां पे क्योंकि बच्चे इन्वॉल्व हैं तो नेशनल कमीशन प्रोटेक्शन फॉर ह्यूमन राइट्स ने, जो एसपी है बीरभूम का, ये हादसा है ये वेस्ट बंगाल में, कि तुरंत इस पे इन्वेस्टिगेशन करें और रिपोर्ट सौंपी जाए। तो दोस्तों मामला ये है कि इसमें 6 औरतें थी, 6 औरतें और 2 बच्चे, 6 औरतें 2 बच्चों को जिंदा जला दिया गया है। इनका क्या कसूर? वेस्ट बंगाल में जो वायलेंस हुई है ना, बक्तुई गांव वेस्ट बंगाल बीरभूम में जो आता है, कल ये हादसा हुआ है कल। अब दोस्तों इसमें ये अगेन पॉलिटिकल मर्डर इन्वॉल्व्ड है। यहां पे पुलिस का ये कहना है कि दुश्मनी भी हो सकती है और दुश्मनी को भी नकारा नहीं जा सकता। देखिए अभी वैसे तो आपको लगेगा कि पूरी पॉलिटिक्स है, लेकिन पारिवारिक दुश्मनी भी एक कारण हो सकता है। फिलहाल अभी पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है। डेप्यूटी प्रधान तो जो थे टीएमसी के, इनको यहां पे मार दिया गया, इनके भाई को भी 1 साल पहले मार दिया गया था। तो डेप्यूटी प्रधान के मर्डर के बाद हिंसा जो है वो भड़क गई। आप घरों के घरों को आग लगा दी, यहां पे जली हुई बॉडीज मिली हैं। आप समझिए कि एक घर में पूरी जली हुई बॉडी मिली है। जो बच गए थे, जो घायल थे, उनको हॉस्पिटल ले जाया गया, वहां पे उन्होंने दम तोड़ दिया। तो मैंने वीडियोस देखे एकदम, इट वॉज वेरी, बहुत मतलब विचलित करने वाले थे। तो इस तरीके का कुछ हिसाब किताब हमको गांव में देखने को मिला है और पूरे गांव में इस समय दहशत का माहौल है। अब आप ये देख लीजिए, ये हुआ, ये टाइम्स ऑफ इंडिया का ये एडिटोरियल है और उसमें स्टेप बाय स्टेप लिखा हुआ है। देखिए मंडे को क्या हुआ, मंडे से ये शुरू हुआ, ठीक है। यहां पे जो भाड़ू एसके टीएमसी के जो प्रधान थे, ठीक है, डेप्यूटी चीफ थे, उनको लगभग रात को 8:30 बजे मार दिया गया। अब जैसे ही ये खबर फैली दोस्तों, आपको पता ही है फिर तो प्रॉब्लम होगी ही होगी। प्रॉब्लम हुई कुछ ही घंटों बाद बक्तुई में 10 घरों को तुरंत आग लगा दी गई और इसमें काफी लोग अंदर ही, इसमें बंद किया गया दरवाजों को, बाहर नहीं निकलने दिया गया, आग लगा दी गई, 8 लोग मर गए जिसमें 6 औरतें थी और 2 बच्चे थे। अब अनऑफिशियल अकाउंट्स की बात करें तो यहां पे बताया जाता है कि भाड़ू लोकेलिटी के जो मॉब था, यहां पे जो पूरी की पूरी भीड़ आई, वहां बगल में पुरबापारा में भी वहां पे आग लगाई, यानी कि कुछ भी नहीं बचा। यहां पे तो आई है, बगल में भी चले गए, हिंसा ऐसी भड़क गई। फिर उसके बाद तुरंत पुलिस आई, जैसे पुलिस को एक खबर पता चली, तुरंत पुलिस आई 12:00 बजे के करीब, और उसके बाद जब बॉडी रिकवरीज का काम शुरू हुआ तो सब दहल गए क्योंकि बच्चे और औरतें भी शामिल थे। अब इन्वेस्टिगेशन तुरंत शुरू हुई, क्यों इसको, ये क्या इसका कारण था, अभी तो इन्वेस्टिगेट कर रही है पुलिस। सेंटर ने भी बंगाल से रिपोर्ट मांगी है, तो पुलिस तुरंत इन्वेस्टिगेशन उसने करना शुरू किया। जो मनोज मालवीय है डीजीपी, उनका ये कहना है कि देखो जरूरी नहीं है कि ये पॉलिटिकल मर्डर हो, इट कुड बी रिटेलिएशन बट द मर्डर हैज नो पॉलिटिकल कनेक्शन। हो सकता है ये गुस्से में, जैसे मान लो कि अब डेप्यूटी प्रधान थे तो यहां पे आए, आरोप टीएमसी पे लग रहा है कि टीएमसी ने ऐसा किया, तो यहां पे आए लोकल्स आए और उन्होंने आग लगा दी। लेकिन जरूरी नहीं है कि ये पॉलिटिकल मर्डर हो, रिटेलिएशन हो सकता है और हो सकता है कि दुश्मनी भी रही हो, क्योंकि पिछले ही साल इनके भाई को भी मार दिया गया था।
तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। लोकल्स का कहना है, देखिए सबसे ज्यादा जानकारी लोकल्स को ही होती है जिस गांव में हुआ है, तो उनका यह कहना है कि भाई देखो पहले से ही दुश्मनी थी ये भाड़ू का, बहुत एकदम से इनका पॉलिटिक्स में जो राइज हुआ जिसकी वजह से यहां पे लोग कुछ लोग पचा नहीं पाए। इनके भाई बाबर को भी जो कि टीएमसी वर्कर था पिछले साल ऐसे ही मार दिया था, ये चीज है। अब पुलिस ने बोला है कि 11 लोगों को हमने अरेस्ट कर लिया गया है, एसआईटी बनाई गई है और ये एसआईटी जो है वो जांच करने वाली है। सेंटर ने तुरंत रिपोर्ट मांगी है बंगाल से कि भाई ये जो हुआ है ना इतना खतरनाक आसा रिपोर्ट दो। सीएम अब देखिए पॉलिटिक्स तो इसमें इन्वॉल्व होगी, पॉलिटिक्स में इतना नहीं जाएंगे, लेकिन क्योंकि भाई मर्डर तो हुआ है तो ममता बनर्जी ने बोला कि भाई ये तो बीजेपी की साजिश है और बीजेपी ने आरोप लगाया कि तुरंत ममता बनर्जी इस्तीफा दे, तुरंत रिजाइन करे, ये जो इतना बड़ा हादसा हुआ है। जगदीप धनखड़ है गवर्नर, अब उन्होंने बहुत बड़ी बात बोल दी है। देखिए राजनीतिक संकट इसलिए गहराया गया है क्योंकि भाई जगदीप धनखड़ ने यह बोला है कि हॉरिफाइंग वायलेंस एंड आर्सन ऑर्जी राम बुरहाट बीरभूम इंडिकेट स्टेट इज इन ग्रिप ऑफ वायलेंस कल्चर एंड लॉलेसनेस, ऑलरेडी 8 लाइफ्स लॉस्ट। यह बहुत बड़ी बात है कि जो राज्य है वहां पे हिंसा बढ़ती जा रही है, बहुत ज्यादा लॉलेसनेस हो गया है। अब अगर किसी राज्य का राज्यपाल बोले ये गवर्नर बोले तो आप इसका क्या मतलब निकालेंगे? इसका मतलब ये निकालेंगे क्या वेस्ट बंगाल में प्रेसिडेंट रूल लगने वाला है जिसकी बहुत समय से बात चल रही है? अब वो तो देखना पड़ेगा, लेकिन फिर भी ये जो कमेंट्स है ना ये बड़े चौंकाने वाले हैं जगदीप धनखड़ ने, क्योंकि भाई ये गवर्नर है, ये किसी पॉलिटिक्स के रिप्रेजेंटेटिव नहीं, गवर्नर है ये चीज है। फिलहाल एसडीपीओ जो रामपुरहाट और जो ऑफिसर इंचार्ज हैं उनको तुरंत रिमूव किया गया। भाई तुम क्या कर रहे थे? देखिए ऐसा तो है नहीं कितनी दूर होगा थाना, कितनी दूर होगा, ज्यादा दूर तो होगा नहीं, बगल में ही होगा। इतनी बड़ी भीड़ आई, इतने लोग आए तो क्या पुलिस को पता नहीं चलेगा? बिल्कुल पता चलेगा, तो पुलिस को एक्ट करना चाहिए था, पुलिस ने नहीं किया, तो इसीलिए इनको रिमूव किया गया, गलती है रिमूव किया गया। तो खैर ये तो बाबर शेख, ये भाड़ू शेख और बाबर शेख इसका भाई 5 जनवरी 2021 को पिछले साल इसके भाई को मार दिया गया था, ठीक है। अब मोटिव्स क्या है ये अभी भी नहीं पता, आखिर ऐसा क्या है पॉलिटिकल मर्डर, अब क्या पता दुश्मनी है पॉलिटिकल मर्डर है, क्या मोटिव है नहीं पता, वो तो अभी यहां पे इसके बाद ही पता चलेगा, जांच के बाद ही पता चलेगा। ऑपोजिशन ने बोला है कि भाई सबसे पहले तो ममता बनर्जी इस्तीफा दे, यहां तक कि भाई प्रेसिडेंट रूल की भी मांग की गई है कि अब इमरजेंसी लगाओ, स्टेट इमरजेंसी लगेगी। बीजेपी एमएलएज भाई ये असेंबली में चले गए कि ऐसे तो होगा नहीं, प्रोटेस्ट किया इन्होंने। अब 45 एमएलएज है जो बीजेपी की लेड बाई शुभेंदु अधिकारी, उन्होंने धनखड़ से वर्चुअली इंटरैक्ट किया और इन्होंने ये बोला कि हमने गवर्नर को ये बता दिया कि अब कोई डिस्कशन का स्कोप है ही नहीं, स्टेट गवर्नमेंट के खिलाफ एक्शन लेना पड़ेगा। अब वही चीज है ना कि अगर स्टेट गवर्नमेंट का एक्शन मतलब क्या, आप सरकार को हटाओगे? अब देखिए अगर ऐसा कुछ हुआ, वैसे होगा नहीं, इसकी पॉसिबिलिटी ना के ही बराबर है, लेकिन अगर ऐसा होगा तो एकदम बवाल हो जाएगा। आप समझ लीजिए एक डेमोक्रेटिक इलेक्टेड गवर्नमेंट को एकदम से हटाना, ऐसा हुआ है पहले भी, लेकिन वो 1950s की बात है जब केरल की सरकार को हटा दिया था, लेकिन अब खैर 1990s में वो होता, लेकिन अभी तो ऐसा नहीं है। जब अनस्टेबिलिटी हो तब आप ऐसा करेंगे, लेकिन ये जो हिंसा हुई है, ये जो हिंसा हुई है ये क्या है? हालांकि बंगाल में दोस्तों हिंसा होती रहती है, ठीक है, इस तरीके के जो मतलब ऐसा इतना तो एक्सट्रीम नहीं, लेकिन यस वहां पे पॉलिटिकल वायलेंस होता है। ओके तो ये चीज है। अब वही है कि गवर्नमेंट गवर्नर को तुरंत आर्टिकल 356 जो कि स्टेट इमरजेंसी से यहां पे एसोसिएटेड है, तो तुरंत आर्टिकल 356 लगाना चाहिए और नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को इसकी जांच करनी चाहिए। यह मामला बहुत तूल पकड़ेगा आप देखिएगा, क्योंकि ये अब तो मतलब होगा कुछ गड़बड़ होगा। हालांकि हम तो यही चाहेंगे कि लॉ एंड ऑर्डर बना रहे, जरा से भी गड़बड़ ना हो, लेकिन पॉलिटिकल लेवल पे ये तो छूटेगा नहीं मामला। अभी आप देखेंगे आरोप प्रत्यारोप कैसे होते हैं। खुश रहिए, पढ़ते रहिए, जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।